हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, ये वीडियो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक पे मेरी। और ये वीडियो वही लोग पूरे एंड तक देखें, देखिए अभी आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो। अगर आपने क्लिक करा इस वीडियो पे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वीडियो को तभी देखें या तो आपके पास वॉकहार्ट फार्मा का शेयर हो, या फिर आप इसमें बाइंग इंटरेस्ट हो, आपका बाइंग का इंटरेस्ट हो, या फिर आपके पास, देखिए अगर आप नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आपके पास शायद कोई और स्टॉक हो, लेकिन आप अगर आज राइट इशू के बारे में समझ जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम किसी भी स्टॉक में राइट इशू होगा आपको समझ में आएगा। आपके पास जो स्टॉक है हो सकता है वही आने वाले टाइम में राइट इशू के बारे में समझाए या फिर इशू करे राइट इशू, तो आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होगी। तो राइट इशू की जानकारी जिसे चाहिए वही ये वीडियो देखे, अदरवाइज आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। वॉकहार्ट फार्मा, इसका राइट इशू ओपन होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के पे मैंने एक दिन और वीडियो बनाई थी 310 के पास, मैंने आप सभी को सजेस्ट करा था ये स्टॉक कहीं ना कहीं राइट इशू के दौरान, और आप सभी को मैंने राइट इशू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी। तो अभी मेरे पास क्या है, मैक्सिमम क्वेरीज आ रही है इसके राइट इशू को लेकर, तो मैं इस पे सारी एक एक करके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो स्क्रीन पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप मुझे मैसेज या कॉल कुछ भी करके डायरेक्ट बात करके पूछ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, आप वहां पे हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। और राइट इशू या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कनेक्ट होइए, बात करिए, ठीक है। अभी वॉकहार्ट फार्मा, मैं आपको ये बता दूं, कोई चार्जेस नहीं है हमारे, ना ही आप हमारे साथ जुड़ोगे तो कोई चार्जेस है, और नहीं भी जुड़ोगे तो भी आप अपनी क्वेरी हमारे साथ बात कर सकते हैं क्वेरी के लिए। 303 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वॉकहार्ट फार्मा, ठीक है। वॉल्यूम्स वगैरह मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको केवल डिटेल्स दूंगा किसकी, राइट इशू की। राइट इशू जो है कंपनी का क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो राइट इशू होता है जब कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, ये कंपनी जब भी कुछ मतलब अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट, अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है या मोटिवेट करती है तो कंपनी कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस करती है। कैसे, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने के लिए कुछ तरीवेज होते हैं जिससे अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट या फिर रिवॉर्ड दे सके। जैसे कि आप देख सकते हो बोनस, स्टॉक स्प्लिट, हालांकि इन दोनों में प्रॉफिट नहीं होता लेकिन शेयर्स बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है, सिंपल। डिविडेंड के रूप में, राइट इशू के रूप में, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मोटिवेट या फिर रिवॉर्ड करती है, ठीक है। अभी कराया वॉकहार्ट फार्मा ने, क्या कराया, राइट इशू। तो राइट इशू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के मार्केट में 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 शेयर। राइट इशू से कंपनी को भी फायदा होता है और इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है। कैसे, 100 शेयर्स हैं कंपनी के मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल। अब कंपनी को क्या यार, 100 शेयर 100 रुपीस के भाव में, यानी कंपनी का टोटल मार्केट कैप 10,000, मार्केट कैप मींस 10,000 करोड़ का 10,000 रुपए है मार्केट में, ठीक है, जो कि 100 रुपए के भाव पे 100 शेयर है। कंपनी चाहती है 4,000 रुपए और जुटाना, ठीक है, 4,000 रुपए और जुटाना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, 4,000 रुपए के नए शेयर लॉन्च करती है। अब शेयर ऑलरेडी 100 रुपए पे है, तो आपसे कोई बोले भाई मैं 100 रुपए पे शेयर दे रहा हूं तो आप खरीदोगे, नहीं खरीदोगे। कंपनी को क्या, थोड़ा ऑफर देना पड़ता है, थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ता है। तो कंपनी का शेयर 100 रुपए पे चल रहा है तो कंपनी क्या करती है, 70 रुपए पे। अब आपकी चीज 100 रुपए पे चल रही है, आपको बोले यार यही चीज 100 रुपए वाली तो 70 रुपए में दे रहा हूं, आप खरीदोगे, बिल्कुल खरीदोगे। तो नए शेयर्स कुछ कंपनी मार्केट में लाती है, जैसे 30 शेयर और ले 70 के भाव पे, यानी 2100 रुपए, ठीक है। तो कंपनी का पहले से 10,000 का माल मार्केट में था, आप 2100 रुपए कंपनी और जुटाना चाहती है तो वहां से 30 शेयर मार्केट में छोड़ती है, जिसके बदले मात्र आपसे 2100 रुपए लेती है, लेकिन उसकी मार्केट में जाती वैल्यू कितनी है, 3,000, क्योंकि स्टॉक कितने पे है, सॉरी हाँ 100 रुपए पे, तो 3,000 है। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी तरीके से राइट इशू आता है, यानी कंपनी मार्केट में शेयर देती है, आपसे पैसा लेती है लेकिन डिस्काउंट में देती है शेयर, क्यों, तभी आप लोग यार ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से वॉकहार्ट फार्मा के शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, और कितने शेयर्स आ रहे हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, अबाउट 7.33 मिलियन शेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, जिससे कंपनी 7.1 बिलियन रुपीज जुटाना चाहती है, इस तरीके का कुछ रेशो था। अभी मेरे पास स्क्रीन पे नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप समझ जाएंगे कितने शेयर मार्केट में दे रही है, कितने रुपए जुटा रही है कंपनी। और भाव जो है राइट इशू का, अभी जैसे मार्केट में 303 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट में कंपनी कितने रुपए पे राइट इशू ला रही है, 225 रुपीज पे, ठीक है, 225 रुपए पे शेयर का राइट इशू है। यानी लेकिन एक रेशो होता है राइट इशू का, यानी अगर आपके पास शेयर है और आप चाहो यार डायरेक्ट में राइट इशू खरीद लूं तो आप सारे नहीं खरीद सकते, क्योंकि ऐसे तो सब टूट के पड़ जाएंगे, सबको फायदा चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, एक नियम ला देती है, एक रूल ला देती है। तो क्या रूल है,
रेशो रेशो में दे दिए। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी के राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कंपनी के आपके पास कंपनी के कुछ शेयर्स होने चाहिए करंट मार्केट से, करंट से या आपने पहले से खरीद रखे हो या मतलब कंपनी के शेयर होने चाहिए आपको किसी भी लेवल से, लेकिन होने चाहिए ठीक है। अब क्या हो सकता है देखिए, जैसे कंपनी ने रेशियो डिसाइड करा, कंपनी का वॉकहार्ट फार्मा का जो रेशियो वो है 10 शेयर अगर आपके पास है तो आप 3 शेयर में राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास 20 शेयर है तो आप 6 शेयर राइट इशू के खरीद सकते हैं ठीक है। आपके पास 100 शेयर है वॉकहार्ट फार्मा के तो आप 30 शेयर राइट इशू के खरीद सकते हैं। ये हो गया रेशियो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके पास है। तो अब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन उठता है, क्या मैं यहां पे राइट इशू के लिए इलिजिबल हूं अगर मैं खरीदूंगा तो राइट इशू ओपन हुआ है आपके पास, आप अगर खरीदते हैं जैसे 100 शेयर्स खरीदते हैं तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं ये बीटीएसटी नहीं कर सकते इसमें, यानी कि आज खरीद के कल नहीं बेच सकते, 2 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तब आप बेच पाओगे। तो आप जैसे खरीदते हो तो आपको रेशियो समझ में आएगा उतने आपके पास डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे फिर आप बेच सकते हो। अभी आप 300 रुपए से 10 शेयर ले रहे हो तो आपके 3000 रुपए लगे और राइट इशू में आप 3 शेयर उसके खरीद सकते हो राइट इशू वाले। 3 शेयर कितने के आएंगे, 225 × 3 = 775, यानी आपके 775 रुपए में 3 शेयर और आ जाएंगे ठीक है। और आपका मार्केट रेट 900 रुपए का, 300 × 3 = 900 ठीक है। तो ये हो गया पूरा राइट इशू का हिसाब किताब। अभी आप राइट इशू में पार्टिसिपेट करते हैं तो आगे की प्रोसीजर क्या है, आप पहले राइट इशू के लिए बिड लगाएंगे, पैसे देंगे और आपके पास राइट इशू आएंगे, उसके बाद आप राइट इशू बेच सकते हैं, नहीं आप बिल्कुल नहीं बेच सकते, राइट इशू को मार्केट में आपके डीमेट अकाउंट में आने होंगे और डीमेट अकाउंट में आने के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं मार्केट रेट से, व्हाट एवर द मार्केट रेट जो भी होगा उससे आप सेल कर सकते हैं, एकदम से आप खरीदते नहीं बेच सकते। रेशियो में आपके पास, अब मैं शॉर्ट में एक बार पूरा रिकवर कर दे रहा हूं, सबसे पहले आप राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए वॉकहार्ट फार्मा के। रेशियो 10 का है, 10 शेयर आपके पास डीमेट अकाउंट में तो उसके मुकाबले 3 मिलेंगे, आप इससे आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास 100 शेयर के मुकाबले सामने 30 शेयर आप राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 225 × जितने भी राइट इशू के आपके शेयर होंगे उतने से मल्टीप्लाई करके आपको पैसा देना होगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी को भी तो पैसा चाहिए ना, आपको शेयर मिलेंगे कंपनी को पैसा मिलेगा ठीक है। आपके अब शेयर जैसे आपने खरीद लिए राइट इशू वाले, एकदम से आप बेच सकते हैं नहीं, आपके वो शेयर डीमेट अकाउंट में आएंगे पहले फिर बेच पाएंगे आप। तो ये सारी कहानी राइट इशू की वॉकहार्ट फार्मा की, होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।